सामने आज कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ टाइम एंड वर्क के। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखिए। पहला क्वेश्चन है, चार व्यक्ति एक समान दूरी 18 किलोमीटर प्रति आवर, 24 किलोमीटर प्रति आवर और 36 किलोमीटर प्रति आवर एवं 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करते हैं, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करवा रहा आपसे, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे बच्चों? अब इसको इजी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि देखो, पहली चाल दी इसने 18, दूसरी 24 दी है और तीसरी 36 किलोमीटर प्रति आवर दी है और चौथी 72 किलोमीटर दी है। अगर इनका हमें एलसीएम ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 72। अब इसको क्वेश्चन को करना बहुत इजी होगा, कैसे कि हमारे पास कितनी चाल है, 1 2 3 4 और औसत औसत कितनी आ गई इसकी, एवरेज 72 और 4 चाल है तो मल्टीप्लाई 4 का कर दिया। अब देखो यहाँ से आगे कैसे करेंगे इसको, जैसे कि ये टोटल एलसीएम हमारे पास 72 आ गया, अगर इसमें 18 का भाग देंगे इसकी चाल निकल जाएगी और प्लस करेंगे, फिर इसमें 72 का भाग दें, 72 में 24 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, प्लस 72 में 36 का भाग देंगे, प्लस करके 72 में 72 का भाग देंगे। यहाँ से आगे देखते हैं, समझना समझ में आएगा बच्चों। अब इसको देखो, काटेंगे तो कैसे कटेगा, अब इसको काटते हैं, देखो ये 4 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये 2 बार और ये 1 बार। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो 72 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 288 और ये 4 3 2 और 1 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 288 अपॉन 10, एक जीरो है तो हमें एक के बाद में पॉइंट लगा देना। औसत चाल कितनी आ जाएगी हमारी, 28.8। ये आपका आंसर है। ये बात तो समझ में आ गया, ठीक। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप है, निश्चित दूरी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। निश्चित दूरी का, तो निश्चित दूरी वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, जैसे कि देखो, जैसे कि निश्चित दूरी, निश्चित दूरी में समय और चाल का अनुपात व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। जैसे कि देखो, स्पीड स्पीड का रेशियो अगर S1 अनुपात S2 है, दिख रहा है आपको, स्पीड का रेशियो अगर S1 S2 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है S2 S1। ये समझ में आया, निश्चित दूरी पर, ये कॉन्सेप्ट ओनली निश्चित दूरी पे ही लगता है दोस्तों। निश्चित दूरी का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमें स्पीड दी है, स्पीड का रेशियो अगर S1 और S2 है और तो टाइम का रेशियो S2 S1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ये आपका मेथड है। इस पर अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं तो देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये जयपुर से दिल्ली 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है और दिल्ली से जयपुर 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से आता है, तो उसे कुल समय 40 मिनट लगते हैं, तो जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी पूछी है उसने, तो कैसे करेंगे? देखो, अभी मैंने बताया था ना कि समय और चाल का अनुपात व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे। जैसे कि हमें स्पीड दी है इसकी, स्पीड कितनी दी है, 30 और 20, अगर इनका रेशियो निकालें तो 3:2 और इनका टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, मैंने अभी बताया था ना कि उल्टा, तो 2:3। टोटल समय मतलब इसे टोटल समय कितना लगता है, 40 मिनट, 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट दी है इसने,
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मिनट। अब ये हमारे पास देखो टाइम है, ये रेशियो में दिया है, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 8 मिनट आई है, तो अनुपातिक वैल्यू है, अनुपातिक वैल्यू को उसमें बदलो, तो देखते हैं 8 दूनी 16 मिनट, ये 16 मिनट आ गया। अब देखते हैं जैसे कि हमारे पास उसकी स्पीड दी थी 30, देखो मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, दूरी निकालता हूँ उसकी, 30 × 16 ये मिनट दी है, तो इसको आवर में बदलेंगे तो 60 का भाग देना पड़ेगा, ये जीरो से जीरो कट गई, तो 48/6 8 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। देखो समझ में आया, स्पीड और स्पीड हमें दी थी 30 और 20, और टाइम का रेशियो 2:5 आ गया, तो हमने यहाँ से निकाल लिया 3 और 2 5, टोटल समय दिया था 40 मिनट, तो एक यूनिट की वैल्यू 8 मिनट आ गई थी। तो उसके बाद में हमने 16 मिनट निकाल ली, तो अब देखो इस दूरी निकालने के लिए, इस दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय, तो दूरी कितनी है, चाल कितनी है 30, और समय कितना लगा 16 मिनट, और इसको आवर में बदलने के लिए 60 का भाग दे दिया, आंसर आ गया आपका, ये है आपका मेथड। देखो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे, रामगढ़ से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 टर्न लेता है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसका वास्तविक समय या सही समय है, उसको बोलते हैं ना राइट टाइम कब आए थे, मतलब राइट टाइम क्या था इसका आने का। तो अब इस क्वेश्चन को करने का क्या फंडा रहेगा, मैंने अभी बताया था कॉन्सेप्ट की निश्चित दूरी के अंदर और समय और चाल का अनुपात उल्टा हो जाता है, जैसे देखते हैं इसी के आधार पर क्वेश्चन है ये भी। देखो स्पीड क्या दी है, देखो ये 4/5 है ना, 4/5 ये वाली वैल्यू जो 5 इनिशियल वैल्यू मतलब वास्तविक समय होता है, मतलब इसका वास्तविक मूल्य ये ही है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस के अंदर भी यही होता है, परसेंटेज कुछ भी हुआ, मतलब ये हर में जो संख्या होती है वो वास्तविक या इनिशियल वैल्यू होती है। जैसे देखो पहले इसकी वैल्यू, अगर इसकी स्पीड पहले 5 थी तो उसने बाद में 4 कर ली, 4 तो टाइम क्या आ गया, 4/5, मैंने अभी बताया था ना उल्टा होता है। अब देखो कैसे होगा, क्या बोला इसने आगे, 15 मिनट देरी से पहुंचता है, आ रहा समझ में, जब वो 5 की स्पीड से चलता है जब तो 4 मिनट में पहुंच जाता है, और जब 4 की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट में पहुंचता है, इनका अंतर कितने का डिफरेंस, एक का, एक की वैल्यू उसने दी है 15 मिनट, कितने दिया 15 मिनट, तो हमसे प्रारंभिक मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक नया मतलब प्रारंभिक चाल ये है और न्यू चाल ये है, तो प्रारंभिक चाल पूछी थी उसने, अब प्रारंभिक समय मतलब पहले कितना समय ले रहा था वो, जब एक यूनिट की वैल्यू 15 आई है तो पहले कितना लेगा 60 मिनट, तो सही समय क्या था उसका 60 मिनट, 60 मिनट में पहुंचने का टाइम था उसका सही, ये आपका क्वेश्चन है। देखो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक या मेथड नहीं होता, ये मैं डायरेक्टली सोचना पड़ता है नॉर्मली बेसिक सा। देखो एक बस है, एक बस की चाल है 45 किलोमीटर प्रति आवर, यदि वो हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति आवर रह जाती है, तो वो हर घंटे कितने मिनट रुकती है, वो हमसे पूछा है कि जब वो 45 से चलती है कुछ मिनट रुकती है और बाद में उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति आवर रह जाती है, तो वह फिर हमसे पूछ रहा है कि वो हर घंटे में कितने मिनट रुकती है, जो बस है हर घंटे कितने मिनट रुकती है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो पहले कितनी थी 45, फिर रह कितनी गई 42 किलोमीटर प्रति आवर, अब इनका अंतर देखते हैं, रेशियो बनाएंगे, अंतर कितना आ गया 3, कितनी है प्रारंभिक में कितनी थी 45, अगर इनका रेशियो बनाते हैं तो 1/50 बनता है 15, तो देखो आगे 1/15,
मिनट में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 15 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो वह हर घंटे कितने मिनट रुकती है? 4 मिनट। ये आपका आंसर है। बेसिक सा कौन है क्वेश्चन है, एक एसएससी वगैरह जीडी वगैरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। प्लीज सपोर्ट करो भाई दोस्तों सभी। थैंक यू सो मच।